हरियाणा में लंपी वैक्सीनेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। 17 लाख से ज्यादा पशुधन को वैक्सीनेशन किया गया है प्रदेश सरकार की तरफ से। वहीं प्रदेश भर में चाहे आढ़तियों की बात करें या किसानों की बात करें, धान खरीद के मुद्दे पर लगातार प्रदेश सरकार के खिलाफ लामबंद है। किसानों के इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल साहब मौजूद है। दलाल साहब, सबसे पहले लंपी वैक्सीनेशन की बात करेंगे। लंपी वैक्सीनेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है प्रदेश सरकार की तरफ से। 17 लाख से ज्यादा पशुओं को वैक्सीनेशन किया गया है। जो पूरा का पूरा वैक्सीनेशन अभियान रहा, किस तरीके से रहा, कितनी संतुष्टि है आपको? नहीं, ये हरियाणा सरकार में तुरंत फैसला लिया, तुरंत वैक्सीन मंगवाई, और जो ये लंपी स्किन डिजीज आई थी गौ माता के ऊपर, जो संकट था उसमें हमने तुरंत जो भी कुछ कर सकते थे किया। डिप्टी कमिश्नर की ड्यूटी लगाई, प्रशासन सारा हो गया, और लगभग जो भी गोवंश है उसका वैक्सीनेशन हो चुका है। बचा कुचा कोई कदुता है उसको ढूंढ ढूंढ करके वैक्सीन लगा रहे हैं। और मेरी किसान भाइयों से प्रार्थना है कि किसी का भी कोई भी गोवंश जो है बगैर वैक्सीन के है तो निकट के अधिकारी को बुला करके, पशुपालन अधिकारी को बुला करके वैक्सीन जरूर लगवाएं। आपने भी लगातार मोर्चा संभाला रखा लंपी डिसीज के खिलाफ, सीएम साहब भी लगातार मोर्चे पर दिखाई दिए। फिलहाल अगर लंपी वायरस की बात करें, फिलहाल प्रदेश में क्या स्थिति है? नहीं, अभी हमारे यहाँ अभी भी पशु जो हैं लगभग हमारा आंकड़ा ये था कि 19 से 20 लाख के आसपास जो है गोवंश है, और उसमें छोटी उम्र के भी हैं कुछ जिन पर वैक्सीन नहीं लगती। तो 17.5 लाख से ज़्यादा वैक्सीन हम लगा चुके हैं, और इस वक्त जो 20-22 हज़ार गोवंश ऐसा है जो भी बीमार है, और हमारी रिकवरी रेट अच्छा है। पशुपालक जो उसकी ध्यान रखते हैं तो वो ठीक हो जाता है। और हरियाणा के अंदर कोई 2,500 के आसपास जो है पशुओं को, गाँव गौ माता को अपनी जान देनी पड़ी इस बीमारी की वजह से। और प्रदेशों में जहाँ हमें सुनने में आया, एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है कि राजस्थान में लाखों हैं, पंजाब में 50-60 हज़ार हैं, दूसरे प्रदेशों में और भी ज़्यादा हैं, लेकिन हरियाणा में सब ने मिल करके, प्रशासन ने मिल करके, किसानों ने मिल करके, डॉक्टर हमारे VLDA ने मिल करके इस बीमारी से मुकाबला किया है। मैं समझता हूँ कि हरियाणा का प्रबंधन और जगह से अच्छा रहा है। आपने उन जगहों का जिक्र किया, आप भी लगातार केंद्र के संपर्क में थे, सीएम साहब भी लगातार केंद्र के संपर्क में थे। दूसरे राज्यों के मुकाबले अगर बात करें, दूसरे राज्यों के मुकाबले जो हरियाणा में वैक्सीनेशन अभियान हुआ है, कितनी तेजी से हुआ है? नहीं, हमारे तो तुरंत, हमने जब पिछले असेंबली का सेशन चल रहा था तभी हमने कहा था कि हम सारी प्रक्रिया को तोड़ करके बगैर टेंडर के जहाँ से भी वैक्सीन मिलेगी हम लेके आएंगे। मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इसकी सैंक्शन दी, हमने तुरंत वैक्सीन को मंगवाया और टारगेट देते रहे। हर रोज़ हम हर ज़िले में टारगेट देते रहे कि आप वैक्सीन लगवाइए। शुरू के दिनों में तो 2-2, 3-3 लाख हर रोज़ लगाए। अब क्योंकि चित्रे कोई पशु इक्का दुक्का रह गया है तो थोड़ी सी संख्या रहे नहीं तो वो हो गई है, लेकिन हमने और जो पशुपालन विभाग ने और जिला प्रशासन ने सब ने मिल करके जो जो उपाय उठाने थे वो हमने उठाए हैं, और हमें संतोष है कि काफ़ी बेहतर जो है रिजल्ट रहे हैं। और जो डर था इस बीमारी से कि भाई बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, वो नहीं हो पाया। एक बात आढ़तियों की कर लेते हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि वो धान लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं, लेकिन आढ़ती लगातार कई दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। आढ़तियों की जो मांग है, चाहे ई नेम की बात हो या जो दूसरी मांगे हैं मंडी टैक्स को लेकर, आढ़तियों को लेकर प्रदेश सरकार का क्या कहना है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जब भी मंडी का टाइम चलता है, जब भी किसान को जरूरत होती है तो मंडी वाले आढ़ती भाई हड़ताल कर देते हैं, और अभी भी ऐसा ही उनकी कहा है कि उन्होंने हड़ताल कर रखी है। और वो ये कहते हैं कि ई नेम है। ई नेम क्या है कि किसान की फसल मंडी में आए, उसका फोटो उतार करके, उसको नाप तोल कर करके उसकी सारे देश में बोली लगाने के लिए चढ़ा दें, कोई देश में उसका ज़्यादा भाव ले तो उसको खरीद ले। किसान को इस चीज़ से फ़ायदा होता है। आढ़ती का काम आढ़त लेना है, लेकिन ये कहते हैं कि जी हम वो काम नहीं करेंगे, ई नेम के जरिए नहीं करेंगे। ये इसका मतलब तो ये है कि किसान की जो फसल आ जाए यही औने पौने दाम में खरीदेंगे। मैं किसानों का मंत्री हूँ, किसानों के साथ हूँ, इनकी नाजायज़ जो मांग है इसको मेरी सहमति नहीं है। और दुर्भाग्य से देखिए, यानी ई नेम से खरीद नहीं होगी तो नुकसान सीधा सीधा किसानों को है। भाई किसान, एक हमने ई नेम इसलिए चलाया है
कि किसान की कोई भी उपज जो सरकारी खरीदनी है उसके बाहर की, उसका नाप तोल करके, उसकी क्वालिटी चेक करके, सर्टिफाई करके पोर्टल पर डाल दें और उस फसल को देश का कोई भी व्यापारी बोली लगाकर खरीद सकता है। उससे किसान को ऊंचा भाव मिलेगा। लेकिन हरियाणा के व्यापारी ये कहते हैं जी हम वो काम नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि किसान की अगर कोई फसल आ गई मंडी में, उसको मजबूर होना पड़ेगा उसी व्यापारी को औने पौने दाम में बेचने के लिए। हम भारत सरकार और हम ये कोशिश कर रहे हैं किसान को उसकी फसल का ऊंचे से ऊंचा भाव मिले, और उसका तरीका ही हमने ढूंढा है कि किसान सब देश की मंडियों में तो अपना उपज ले जा रहे हैं, जहाँ भी लेके जाए, हमने एनएम से मंडी जोड़ दी, जहाँ भी लेके जाए वहाँ मशीन लगी हुई है, वो मशीन उसकी क्वालिटी को वेरीफाई कर देगी, क्वांटिटी पता चल जाएगा ढेरी इतने की है, और वो एनएम पर चढ़ने के बाद देश का कोई व्यापारी उसकी बोली लगा सकता है। और जो जहाँ फसल है उस व्यापारी का काम है आदत लेना, वो अपनी आदत ले। मंडी टैक्स को लेकर भी कम करने की मांग कर रहे हैं। कोई टैक्स हमने बढ़ाया नहीं, जो टैक्स चल रहा है पहले से वो पहले कम किया था। नहीं, जब ऐसा है कि जब नए कृषि कानून आए थे तब ये मुद्दा उठा था कि मंडी से बाहर खरीद हो जाएगी तो मंडियां बंद हो जाएंगी, तब हमने घटाया था। वो कृषि कानून वापस हो गए तो मंडी का जो टैक्स पहले था वही हो गया। कोई ऐसी चीज़ नहीं है नया मुद्दा, लेकिन दुर्भाग्य ये है कुछ लोग किसानों के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं और वो मोहरे हैं किसी राजनीतिक पार्टी के। किसानों का शोषण होता आया और शोषण करते रहना चाहते हैं। हमारी कोशिश यह है कि किसी भी सूरत में किसानों का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। हमने किसानों को सीधी पैसा देना शुरू किया है। हमने इस बात को नहीं माना है कि किसान के पैसे को एडवांस जो दे रखा है वो काट लें, वो उनका लेना। धान बेल्ट में कल एक बैठक भी हुई थी किसान संगठनों की, उनका कहना है कि जो धान की सरकारी खरीद है वो आज से शुरू होनी चाहिए, अगर आज से खरीद नहीं होती 23 तारीख को जीटी रोड जाम किया जाएगा। अब यही तो मिली भगत है। एक तो आड़तियों का नेता है चढ़ोनी साहब, खुद आड़ती है, वो तो कहता है कि आप खरीद शुरू करो नहीं तो हाईवे जाम करेंगे। एक तरफ आड़तियों की संगठन है, वो कहता है कि हम खरीद करेंगे ही नहीं। वो दोनों ही विरोधाभासी बात कर रहे हैं। मतलब ये है कि जिस दिन किसान को पैसे की ज़रूरत है उस दिन इन्होंने किसान के नाम पर आंदोलन करना, किसान को नुकसान करना, अव्यवस्था फैलाना, राजनीति करना। लेकिन हरियाणा का नहीं, देश का किसान समझ चुका है कि ये जो किसान के नाम पर राजनीति करने वाले लोग किसान हित से, तो फिर किसान की एक तारीख से हमेशा एक तारीख से होती है। एक बार हमने 4-5 दिन पहले शुरू कोशिश की थी, एक तारीख से पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में होती आई है, वो इस बार भी होगी, वो हम करेंगे। और हम व्यवस्था कर रहे हैं कि अगर हमारे व्यापारी भाई नहीं कोऑपरेट करेंगे तो हम अल्टरनेटिव इंतजाम करेंगे, किसान की फसल को हर हालत में खरीदेंगे। अल्टरनेटिव इंतजाम क्या रहने वाले हैं? फिर भी बहुत सारे पिछले बार हमारे पास 700 FPO हैं। पीछे भी हमने जो कोरोना के संकट के टाइम में कहा था कि मंडी नहीं चलाएंगे, हमने 1800 मंडियां चलाई, गांव के स्कूल में चलाई और चीज़ की और खरीद की थी। हम ऐसा है कि खरीद करेंगे, किसान का हित सर्वोपरि है, किसान के लिए कुछ भी करना आ जाए किसान को नुकसान नहीं होने देंगे। बिल्कुल, देखिए दलाल साहब ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि सरकार बिल्कुल भी दबाव नहीं मानेगी आढ़तियों का, व्यापारियों का, ई नेम के जरिए ही खरीद होनी चाहिए क्योंकि उससे किसानों का फायदा है। और दलाल साहब का कहना है कि जो किसानों के फायदे हैं, किसानों के फायदों के सामने प्रदेश सरकार किसी के सामने नहीं झुकने वाली। कैमरामैन जसबीर के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।